पिछले 10 साल में हमने बहुत विकास देखा है। पहले इसके पहले जो प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने ये सब इतना कार्य नहीं किया जितना उन्होंने अब मोदी जी ने किया है। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर बनवा दिया, श्री राम मंदिर बनवा दिया और उन्होंने जनता के लिए वो राशन फ्री दिया और बहुत सारी सब सुविधाएं उपलब्ध कराई और वो गैस का सब्सिडी भी उन्होंने दिया है। जितना उन्होंने कर दिया कोई और नेता रहता तो नहीं कर पाता। बनारस का माहौल दिख रहा है कि मतलब कि हर तब उन्हीं का लहर है, उनके सामने कोई खड़ा होने वाला टिकने वाला नहीं है, वो तो जीत के ही रहेंगे। अब उसके अलावा भाई विकास बात, जैसे बाबा काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है जो कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि नहीं कभी ये मंदिर का निर्माण इस तरह होगा जिस तरह उन्होंने बनवाया है। अब रही बात सर ये कि अब कार्यकाल भाई विकास उनका बढ़ ही रहा है, अब देखते फिर आगे आगे क्या होता है। मंदिर का निर्माण जो हुआ सो हुआ, उसके बाद फिर जो है तो नमो घाट का विकास हुआ, उसके बाद रोड सड़कें सब सारी विकास हो रही है। बहुत सारे जैसे कि विकास में सुंदरीकरण हुआ, बहुत अच्छे सुंदरीकरण हुआ और विकास तो उनकी हमारे बनारस बहुत अच्छी दिखा रही है और वैसे भी आगे भी सोच रहे हैं आगे के परमात्मा यानी क्या करेंगे। वो काम विश्वनाथ मंदिर का करवाए दिए, घाट का व्यवस्था बढ़िया कर दिए, गंगा जल का जो है व्यवस्था जो कूड़ा कटकर जो जाता तो उसको अच्छा सफाई कराए और पटना के लोग अच्छे आ रहे हैं दर्शन करने वाले, यहाँ का व्यवसायी लोग का व्यापार भी बढ़िया चल रहा है। हाँ बनारस में हमने वर्षों पहले भी आए थे, बीच में भी आए थे, आज लास्ट टाइम भी आए। अभी यहाँ बहुत कुछ अच्छा काम बन गया है, गवर्नमेंट ने जो किया है, गवर्नमेंट जिसकी भी हो अच्छा है, लेकिन काम हुआ है। जो व्यक्ति आकर इधर देखेंगे कि घाट पे क्या व्यवस्था हुई है, रास्ता कैसा बन गया है, फोर लाइन कैसे बन गया है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है, रोजगारी किसने की है। आप अयोध्या में जाकर देखो, हर दुकान वाला खुश है, बहुत रोजगारी मिलती है, टैक्सी वाले को रोजगारी मिलती है, धंधे वाले को मिलती है। दिक्कत थोड़ी पब्लिक को होती है टैरिफ के हिसाब से, ट्रैफिक के हिसाब से। नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ किए हमारे बनारस के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए, और क्या नहीं किए आज तक जो है ऐसा सरकार आया नहीं। ये हमारे बनारस नहीं हिंदुस्तान सौभाग्य है, इतने त्यागकुल जैसे मोदी जी हैं इनके कोई जो है नहीं, देश के लिए इनका अपना समर्पण है, ऐसा प्रधानमंत्री मिलना नामुमकिन है।